हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। आई होप सो आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये टाइम हुआ है करीबन 11 बजे का, तो इससे पहले मेरा पहले वाला ब्लॉग ख़त्म हुआ है, वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है दूसरा ब्लॉग। और मैं नहा करके आ चुकी हूँ, बाल धोए हैं मैंने, लेकिन अभी कंघी नहीं की है क्योंकि अभी थोड़ा पानी टपक रहा था और अभी बांध भी नहीं सकती हूँ इनको। बस ऐसे ही है ना, एक क्लेचर लगा लेती हूँ और वही नॉर्मल रूटीन वाला बिंदी लिपस्टिक और थोड़ा सा सिंदूर लगा लिया है मैंने। और अब आ गई हूँ किचन में, तो मुझे बनानी है आलू की सब्ज़ी। और जब मैं नहाने गई थी तो आलू को ना बॉयल करने के लिए रख के चली गई थी। आलू बॉयल हो चुके हैं और उनको छील लिया है मैंने, और कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल, और ये आलू को छील के रख लिया था, और टमाटर और हरी मिर्च को क्रश कर लिया। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है ना कि बालों को ना बांधो तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन अगर गीले बालों को बांध लो ना तो वो जब पसीना आता है उससे ना स्मेल आने लग जाती है और बाल भी ना बहुत ज़्यादा टूटते हैं। और लीजिए, मेरा तेल भी गर्म हो चुका है, तेल में डाल दी है मैंने, ज़ीरा डाला है और मिर्च को ना बीच में से चीर करके डाल दिया है, इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाएगा। और उसके बाद डाल दिया है कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता थोड़ा सा चटक जाएगा, उसके बाद डाल दूँगी मैं जो पेस्ट बनाया है मैंने क्रश करके हरी मिर्च और टमाटर का, इसको डाल दूँगी और इसको थोड़ा हल्का सा ना फ्राई होने दूँगी। थोड़े से मसाले ऐड कर दूँगी, जैसे हल्दी, सब्जी मसाला, धनिया पाउडर, तो चुटकी भर गरम मसाला, नमक और लाल कश्मीरी मिर्च, और इसको ना इसके बाद अच्छे से मिला लूँगी और तेल को ना सेपरेट होने तक अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी। और बाद में डाल दूँगी इसमें कस्तूरी मेथी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है सब्ज़ी। और इसके बाद ना थोड़ा मोटा मोटा फोड़ करके आलू को डाल दूँगी इसके अंदर। और इसको ना सारे को मिला लूँगी मैं, और सूखी सब्ज़ी बनानी है मुझे, बस इसको थोड़ा सा चटकने दूँगी और इसके बाद सब्ज़ी बन जाएगी। और ये थोड़े मेरे पास ना चावल पर रखे हुए थे, पुलाव ही है, इसमें सोयाबीन, आलू, मटर वगैरह डाली हुई थी, तो इसको भी गर्म कर लिया है, साथ में ये भी खाया जाएगा। और इसके बाद बना लेती हूँ पराठे, बनाऊँगी मैं 4-5 पराठे बनाने हैं क्योंकि थोड़े चावल हो गए हैं, क्योंकि सूखी सब्ज़ी के साथ और वो भी आलू की सब्ज़ी के साथ ना पराठे वैसे भी अच्छे लगते हैं। और ये मेरा आटा बचा हुआ था, वही बीट रूट वाले। खाना मेरा बन गया है और आज की थाली में है आलू की सब्ज़ी, पराठे, बीट रूट वाले चावल, और है क्या कहते हैं, रायता। सो करके उठ गई थी मैं और उसके बाद उतारे हैं मैंने कपड़े, और थोड़ी देर में बनाऊंगी चाय, तो चाय के साथ आज क्या बनाऊंगी। और कपड़े फोल्ड करने हैं मैंने, उतार के तो रख दिए थे, अभी फोल्ड नहीं किए हैं, थोड़ी देर में फोल्ड करूंगी इनको। सो के उठने के बाद ना थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता है, अजीब सा हो जाता है, मतलब थोड़ा आलस आ रहा है, अगर भी बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे बनाने हैं वड़ा पाव, भजिया पाव, और मुंबई वाले वड़ा पाव दिल्ली में मेरे स्टाइल में, और देखते हैं, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ मैं, कैसे कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे, ये थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेती हूँ उसकी। और उसके मैं तो ज़्यादा कुछ खा नहीं सकती हूँ क्योंकि उसमें चटनी वगैरह लगती है, तो मैं चटनी नहीं लगाऊंगी, सिंपल तरीके से ही खाऊंगी क्योंकि अभी गला मेरा ठीक नहीं हुआ है। दोपहर को सो गई थी मैं क्योंकि काम वगैरह सारा करके मतलब थोड़ी बहुत थकान हो ही जाती है, और थोड़ा सा ना रात को मैं सो भी नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मैं दिन में थोड़ा सा सो जाती हूँ क्योंकि रात को इतनी ज़्यादा खांसी होती है तो उसकी वजह से नींद ही नहीं आती है। किचन में काम करने से पहले मैं कपड़ों को कर देती हूँ फोल्ड, नहीं तो ये ना आलस आ जाएगा फिर, और रखे ही रह जाएंगे फिर, अगले दिन ही फोल्ड होंगे, तो इससे पहले मैं फोल्ड कर देती हूँ।
और कुकर में मैंने बाहर गैस पर चढ़ा दिए हैं, आलू को बॉईल करने के लिए रख दिया है और वो भी बॉईल हो जाएंगे जब तक मैं ये काम करूँगी। छोटे छोटे आलू थे, ये 5-6 आलू थे, इसको मैंने ऐसे क्रश कर दिया है और इधर बना के रखा है मैंने बेसन का पेस्ट। इसमें डाला है नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, चुटकी भर हींग और इसको ना जैसे हम पकोड़े बनाते हैं उससे हल्का सा थिक रखना है इस तरीके से, ये देखिए। और इसको मैंने पहले ही पेस्ट बना के रख दिया है थोड़ा रेस्ट के लिए। कड़ी पत्ता लीव्स, एक पैन लिया है, इस इधर बना के रखी है मैंने ग्रीन चटनी जिसके साथ इसे सर्व करेंगे। आलू है, इसी के अंदर मैं ये हरी मिर्च काट दूंगी। हमारा तेल गरम हो चुका है, इसमें डालूंगी सरसों, हींग, करी लीव्स, थोड़ा केयरफुल क्योंकि बहुत ज्यादा उछलता है ये। अब डाल दूंगी मैं ये जो आलू हैं। इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, आमचूर पाउडर, जब तक ये ठंडा हो रहा है हम कर लेते हैं बाकी की तैयारी। दो प्याज ली है मैंने, ये ठंडा हो गया था, इसको इस तरीके से बॉल बना लेनी है, बॉल बनानी है मैंने। और जो ये बेसन था ना इसमें इसको डिप करना है। और इसको ना करछुली से चलाना नहीं है नहीं तो ये फूट जाएंगे। बस हाँ आप ऐसे तेल डाल सकते हैं इस तरीके से और इसको धीमी धीमी आंच पर सिकने देंगे। और जब मैंने इसको फ्राई किया था तो आप उस समय इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप डाल सकते हैं, चॉइस है आपकी। चलिए ये भी बन गए हैं। और मैं बनाने जा रही हूँ वड़ा पाव। लास्ट में बेसन बचा था उसमें डाल दिए हैं मैंने ये प्याज जो अभी मैंने काटे थे और ये बना लिए हैं मैंने प्याज की भजिया। हमारे पाव, ये वड़ा और ये भजिया प्याज की। और ये जो पाव है ना इसको बीच में से काट लेंगे, एक साइड से खुला रहेगा ताकि ये बंद हो सके बाद में। और इसमें लगा दूंगी मैं ग्रीन चटनी, आप अगर सॉस लगाना चाहें तो सॉस भी लगा सकते हैं, रेड चटनी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ग्रीन चटनी ही लगाई है क्योंकि लहसुन वाली चटनी नहीं खाते हैं हम। और उसके बाद लगा दिया है एक पाव वड़ा लगा दिया है और उसके ऊपर रख दी है जो एक भजिया बनाई थी ना प्याज की, प्याज की पकौड़ी जो बनाई थी वो लगा दी है। और इसको आप ऐसे सर्व कर सकते हैं सॉस के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, या फिर जो मोमोज वाली चटनी आती है ना उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं इसको। और खाने में मैंने अपने बेटे को टेस्ट कराया था, बहुत अच्छा टेस्ट आया है इसका, बहुत अच्छा बना है ये। और फर्स्ट टाइम ट्राई किया है मैंने, कोशिश की है बनाने की मुंबई स्टाइल में। जी आप भी खा लीजिए। इसके साथ ही आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
जब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो ये थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आशा करती हूँ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है ना उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए जब भी तो आपको सबसे पहले मिल जाए वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।